आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अपने एक सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल जो आपको अगर समझता नहीं भी है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो हम देखेंगे, और अगर ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट रहते हैं, मतलब उसके नीचे स्टॉक का प्राइस नहीं जाता, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, साइडवेज जा सकता है स्टॉक या फिर अपसाइड बाउंस होगा, वो हम देखेंगे। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट के स्टॉक के बारे में। चलिए पूरा एक वीडियो इसके ऊपर हम देखते हैं, एक एनालिसिस देखते हैं इस वीडियो के अंदर, जहां पे आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कहाँ पे एक ट्रेड कर रहे हैं, उसका क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर आपको ये पूरी डिटेल जाननी है तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखिए, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या सिग्नल चार्ट दिखा रहे हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू गाइस। सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ एशियन पेंट, स्पॉट प्राइस का चार्ट है, एंड वी हैव सीन सम कैंडलस्टिक चार्ट हियर। स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड डाउन ट्रेंड इन लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस फ्रॉम 28th ऑफ अप्रैल। कंसिस्टेंटली इट हैज बीन डाउन, एंड टुडे इज 29th में एक लूजिंग स्ट्रीक इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है। काफी एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, 1850 से करीबन स्टॉक में हमको 1500 तक के प्राइस देखने को मिले। सो क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक अगर इतना गिर गया है तो फिर क्या और नीचे गिरेगा या फिर यहाँ से ये फिर से ऊपर आएगा? सो लेट्स चेक, हम देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका एक हायर टाइम फ्रेम हम चेक करेंगे जो कि है वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम में भी एज यूजल हमको देखने को मिल रहा है, लास्ट 4 वीक्स से हमको इसमें कंसिस्टेंट एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। सो इम्पोर्टेंटली प्रीवियसली जो सपोर्ट जोन था स्टॉक का, जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टॉक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है, तो प्रीवियसली यहाँ पे हमको स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा था, वो रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखा, वहां पे वापस यहाँ पे एक सपोर्ट रिटेस्ट हुआ, स्टॉक का प्राइस फिर से वही रेंज में आया और बाउंस देखने को मिला हमको, और अभी वापस वही एरिया में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर दिस स्टॉक, बिकॉज स्टॉक प्राइस हैज नॉट बीन एबल टू गो डाउन बिलो दिस 1500 लेवल मार्क। ओके, सो ये एक लेवल है जो स्पॉट प्राइस पे काफी इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ब्रेक नहीं हो रहा। इन केस के आने वाले कुछ दिन में 1500 के नीचे स्टॉक चला जाता है और क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे ही ट्रेड करता है वन और टू ट्रेडिंग सेशन, तो पॉसिबिलिटीज है कि हम इसको बोलेंगे कि जो सपोर्ट एरिया था वो इसका ब्रेक हो चुका है और स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज है। दूसरा है कि अगर यहाँ पे स्टॉक होल्ड करता है तो पॉसिबिलिटीज है कि फिर से यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला, जैसे यहाँ पे देखने को मिला था। सो लेट्स सी ऐसे कौन से सिग्नल्स है। तो पहले तो हम देखेंगे कि प्राइस एक ट्रेंड, अभी इसका वीकली चार्ट पे भी हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। दूसरा वॉल्यूम चेक करें इसके, तो कंसिस्टेंटली जो प्राइस जब नीचे गिर रहा है और सपोर्ट एरिया के पास जब स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा है, तब वॉल्यूम्स हमको नीचे डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हो ये 3 बार के अंदर हमको वॉल्यूम नीचे कम होते हुए दिखे और जब प्राइस नीचे गिर रहा था। सो इट्स अ वेरी गुड कोरिलेशन, यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है बट वॉल्यूम्स भी नीचे जा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर बेयर्स। ठीक है, तो हम ये कंसिडर करेंगे इस यहाँ पे कि वॉल्यूम्स आर डिक्लाइनिंग ऑन स्टॉक प्राइस जब क्रैश हो रहा था। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज नोट करने जैसा है कि देयर इज अ गुड पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे on a momentum oscillator RSI, and RSI also taking support near 40 zone, which is a very very good area for bulls to maintain their energy. ठीक है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है इस स्टॉक के अंदर। अभी वो पहले हमने ट्रेंड देखा बट जो ट्रेंड एक एग्जॉशन के मोड में दिख रहा है, जो करंट ट्रेंड है वो डाउन है, एग्जॉशन के मोड में दिख रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स आर डिक्लाइनिंग, डाइवर्जेंस हैज बीन क्रिएटेड, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, एंड लेट्स सी द डेली टाइम फ्रेम व्हिच इज शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देखे तो इसमें भी हमको एक इम्पोर्टेंट एरिया के पास जो हमने प्रीवियसली मार्क किया है वीकली चार्ट पे, जो जोन है सपोर्ट का, उसके पास हमको स्टॉक एक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने वॉल्यूम्स को थोड़ा अभी हाइड कर दिया है फॉर सिंप्लिसिटी। अभी हमको स्टॉक प्राइस में एक काफी बड़ा फॉल देखने को मिला। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज नोट करने जैसे, जो आपके लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, जिसमें हमको देखने को मिल रहा है कि रिकॉर्ड सेशन काउंट देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अराउंड 10 टू 12 कैंडल्स कंसिस्टेंटली वन वे हमको डाउनसाइड देखने को मिले। इसको बोलते हैं रिकॉर्ड सेशन काउंट। आफ्टर अ रिकॉर्ड सेशन काउंट देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के स्टॉक का जो करंट ट्रेंड है वो एक एग्जॉस्टन मोड में हो सकता है और वहां से वो एग्जॉस्ट होकर वो अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। सो व्हिच इज वेरी गुड साइन ऑन शॉर्ट टर्म चार्ट्स। ओके, देन कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर बात करें हम तो यहाँ पे एक हमको ये जो बुलिश कैंडल है और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है वो दोनों मिला के हमको एक लास्ट एंगलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, विच इज ऑल्सो एट सपोर्ट लेवल। बहुत ही बढ़िया एक साइन है रिवर्सल का। और दूसरे उसके बाद हमको यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रही है एट लेवल ऑफ सपोर्ट, विच इज ऑल्सो साइन ऑफ रिवर्सल कैंडलस्टिक। सो गुड एरिया एंड गुड प्लेस जहाँ पे उसको फॉर्म होना है वहीं पे हुआ है। एरिया बराबर है प्राइस वाइज लेवल वाइज और मोमेंटम इंडिकेटर में भी हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी डबल डाइवर्जेंस हमको क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। देयर हैज बीन टू डाइवर्जेंस, यहाँ पे दो डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड एरिया गुड रिवर्सल सिग्नल्स। सो ओवरऑल हम देखें इस स्टॉक के अंदर बात करें जो कंसिस्टेंटली हमको लास्ट 4 वीक्स के अंदर जो फॉल देखने को मिल रहा है, हालांकि ये वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर फ्यू ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, पर जो हमको सिग्नल्स शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं देयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के यहाँ से स्टॉक एक बाउंस बैक कर जाए। और जो एक 1500 का एक लेवल है वो एक राउंड नंबर सपोर्ट भी उसको बोलते हैं। ये एक नई टर्मिनोलॉजी रहेगी आपके लिए भी राउंड नंबर सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इंटैक्ट है, राउंड नंबर भी है, तो पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक यहाँ से एक यहाँ से करेक्शन न करके यहाँ से एक अपना बाउंस दिखाए और आने वाले टाइम में हमको स्टॉक के प्राइस के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिले। सो ये एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है जो 1500 के नीचे का एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और 1500 के नीचे आप अगर कोई भी एंट्री करते हो स्टॉक के अंदर सो आपको नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसके नीचे, यहाँ पे ये जो लोज है उसके नीचे। तो ध्यान में रखिए वो लेवल्स आपके हिसाब से आप खुद डिसाइड कीजिए। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कोई भी बाय और सेल का यह रिकमेंडेशन नहीं है, बट ओनली एजुकेशन पर्पज से हमने ये वीडियो क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस में जो थियोरीज है उसका एक ग्लिम्स समझ में। अगर ऊपर के लेवल की बात करें हम तो हम वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट है तो 1630 के करीब में हमको 38% का रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है जो उसका पहला एक पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर उसके ऊपर स्टॉक रिट्रेस करके आगे जाए तो 1670 के पास जहाँ पे 50% का इसका रिट्रेसमेंट है। सो ये दो लेवल्स आप ध्यान में रखने हैं एशियन पेंट के अंदर। सो दिस इज अ कोर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस ऑफ एशियन पेंट जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे हमने काफी ऐसे सिग्नल्स देखे ड्यूअल टाइम फ्रेम के अंदर जो पॉसिबिलिटी सिग्नल दे रहे हैं कि स्टॉक में यहाँ से बाउंस एक एक्सपेक्टेड एक रिवर्सल पॉसिबल है। सो रिवर्सल पॉसिबल है, आई एम यूजिंग द वर्ड बिकॉज ऐसा काफी बार होता है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा बाउंस करके फिर से नीचे चला जाए। सो देयर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। सो एक पॉसिबल एरिया है 1500 के पास, वहां पे स्टॉक में एक रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए स्टॉक को और अपने हिसाब से अपने लेवल और जो टारगेट और स्टॉप लॉस के वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो में आपको अच्छा नॉलेज मिला है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।